हेलो दोस्तों कैसे हो आप मैं महुल शिंदे आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे पिछली बार मैंने नाइन्थ यूनिट को एटथ यूनिट बोल दिया था जो कि लेक का यूनिट था हमारा आज हम पढ़ने वाले हैं लाइमस्टोन एंड चॉक लैंड फॉर्म्स के बारे में ये एक्चुअली हमारा एट्थ यूनिट है ओके okay? वो जो पहले मैंने पढ़ा दिया आपको वो नाइन्थ यूनिट था अब देखते हैं इसके क्वेश्चन के बारे में लाइम एंड चॉक आर लाइम और चॉक क्या है ओके दीज आर ऑर्गेनिकली फॉर्मड है केमिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स है ये मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स है या फिर मेटामा ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स है सो so, ये है ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स ओके सो आंसर विल बी ए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं लाइम स्टोन एंड चॉक आर ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स डिर्व फ्रॉम द एकोमलेन ऑफ कोरल्स एंड शेल्स इन द सी कोरल और शेल का जब एकोमलेशन होता है तो सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म होते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक जो होते हैं वो लाइम स्टोन एंड चॉक होते हैं और ये ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड होते हैं ओके द नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं डोलोमाइट इज द फॉर्म ऑफ सैंडस्टोन डोलोमाइट जो है सैंडस्टोन का फॉर्म नहीं है तो डोलोमाइट जो है वो लाइम प्लस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस मैग्नीशियम का जो है वो फॉर्म है तो इसमें बताया गया देखो लाइम इज अ प्योर फॉर्म मेड अप ऑफ कैल्साइट और वी कैन से दैट द कैल्शियम कार्बोनेट प्लस मैग्नीशियम एंड इट इज कॉल्ड एज अ डोलोमाइट ओके सो इस तरीके से लाइम होगा कैल्शियम कार्बोनेट होगा और मैग्नीशियम तीन अगर चीजें रहेंगी तो डोलोमाइट फॉर्म हो जाएगा सो so यह हमारा आंसर पहला रॉन्ग हो जाएगा चौक इज अ वेरी प्योर फॉर्म ऑफ लाइम स्टोन चौक जो है बहुत ही प्योर फॉर्म है लाइमस्टोन का सो ये करेक्ट है सो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे टू ओनली टू इज द करेक्ट करेक्टर विच आर ट्रू अबाउट कास्ट रीजन कास्ट रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है इस पर क्वेश्चन बन सकता है इस बार रीजन विथ लार्ज स्ट्रेच ऑफ लाइम बहुत स्ट्रेच होता है लाइम का इस पर सो ये करेक्ट है हमारा आंसर देर इज अब्सेंस ऑफ सरफेस ड्रेनेज देखिए सरफेस ड्रेनेज तो बिल्कुल होता ही नहीं है वहां पे सो ये भी करेक्ट हो जाएगा हमारा इन द कास्ट रीजन स्ट्रीम्स आर विजिबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस वहाँ पे जो स्ट्रीम्स है वो शॉर्ट डिस्टेंस पे विजिबल होती है हमको ओके सो ऐसा बोल रहा है तो तीनों के तीनों करेक्ट आंसर्स है आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ओके थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या बताता था इन द कास्ट रीजन देर इज़ अब्सेंस ऑफ सर्फेस ड्रेनेज देखिए सीधा सीधा अब्सेंस ऑफ सर्फेस ड्रेनेज पहला पॉइंट मोस्ट ऑफ द सर्फेस वाटर हैज अंडरग्राउंड बहुत सारा जो सर्फेस वाटर है वो अंडरग्राउंड चला जाता है स्ट्रीम्स राइजिंग ऑन अदर रॉक्स फ्लो ऑनली ओवर द लाइम जो स्ट्रीम राइज होती है अदर रॉक्स पे वो सिर्फ लाइम के ऊपर ही फ्लो होती है फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस कितने डिस्टेंस के लिए शॉर्ट डिस्टेंस के लिए तीसरा भी पॉइंट हमारे यहाँ पे आ जाता है एंड देन डिस्टपियर इन द अंडरग्राउंड ओके सो इस तरीके से एक्सप्लेनेशन है विथ रेफरेंस टू द वेजिटेशन ऑफ द कास्ट रीजन कास्ट रीजन के वेजिटेशन के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इट ट्रू कौन सा इसमें से सही है देखिए कास्ट रीजन में क्या होता है पुअर uh, ग्रासेस रहती है शॉर्ट टर्फ रहता है ये तो हंड्रेड परसेंट पक्का है सो so ये इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ओके okay, बाद में टेम्प्रे रीजन्स वेजिटेशन इज लग्जरिएट नो यहाँ पर ट्रॉपिकल रीजन में वेजिटेशन जो है वो लग्जरियंट होता है सो ये आंसर हमारा रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे सो आंसर विल बी यहाँ पे वन ऑनली वन ओके लेकिन यहाँ पर बी दिया हुआ है सो ऑब्वियसली ये बी जो है वो रॉन्ग दिया हुआ है यहाँ पे सो so, मेरा आंसर होगा यहाँ पे वन ऑनली ओके दैट इज़ द ए आंसर ओके एक्सप्लेशन में पढ़ सकते हैं अपन हमारा सही या नहीं कि हमको पता चल जाएगा इन ट्रॉपिकल रीजनस वेजिटेशन इज़ लग्जूरियट ओके तो आपको ट्रॉपिकल रीजन में वेजिटेशन लग्जूरियंट मिलेगा क्योंकि हेवी रेनफॉल होता है ट्रॉपिकल रीजन में क्योंकि वाटर वेपर ज़्यादा होता है वो उड़ जाता है ऊपर बाद में बादलों में पानी आ जाता है नीचे गिर जाता है बहुत सारा रीज़न है इस पर सो so, जित जहाँ पर ज़्यादा इवेपोरेशन होता है वहाँ पर ज़्यादा पानी गिरता है लेकिन पानी होना भी चाहिए नीचे इवेपोरेट होने के लिए ओके सो दैट इज़ इंपॉर्टेंट सो so फोर्थ हमारा हो जाता है फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ द कास्ट रीजन कास्ट रीजन के हमको इकोनॉमिक बेनिफिट्स के बारे में पता होना चाहिए कौन कौन से मीका इज द ऑनली मिनरल ऑफ द इम्पोर्टेंस इन द कास्ट रीजन मिका क्या एक ही में वैसा मिनरल है जो इम्पोर्टेंस लाता है कास्ट रीजन के लिए सो so, ये नहीं सिर्फ लीड जो है इज द ऑनली इंपॉर्टेंस इन द कास्ट रीजन ओके इज़ द ऑनली मिनरल ऑफ इम्पोर्टेंस इन द कास्ट रीजन सो दिस इज द लीड ओके नॉट अ मिका सो so, ये रॉन्ग हो जाएगा हमारा देन नेक्स्ट लाइम स्टोन इज यूज एज अ बिल्डिंग मटेरियल एंड क्वारीट फॉर सीमेंट इंडस्ट्री येज करेक्ट है एज इट इज दिया हुआ है बुक में सो so, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ओनली बी ओनली टू ओके ओके यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं दोबारा लीड इज द ओनली मिनरल ऑफ इंपॉर्टेंस इन द कास्ट रीजन विच ऑर्कस इन द वस इन एसोसिएशन विद द लाइम स्टोन गुड क्वालिटी ऑफ लाइम स्टोन इज यूज एज अ बिल्डिंग अच्छा जो लाइम स्टोन है वो मटेरियल बिल्डिंग करने के लिए और सीमेंट इंडस्ट्री में भी काम आता है सो so, हमारा आंसर जो है वो टू हो जाएगा ओनली द नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द चॉक चॉक के बारे में हमको क्या क्या पता है वो देखते हैं ओके लाइम स्टोन्स ऑफ चॉक्स आर डिफरेंट फ्रॉम द लाइम स्टोन ओके सो सॉरी लैंड फॉर्म्स ऑफ द चॉक्स जो होती है वो लाइम स्टोन से डिफरेंट होती है करेक्ट है भाई लाइम स्टोन बहुत डिफरेंट होता है चॉक बहुत डिफरेंट होती है चॉक्स डिफर चॉक लैंड फॉर्म सॉरी चॉक का जो लैंड फॉर्म होता है वो बहुत डिफरेंट होता है और लाइम स्टोन का फॉर्म बहुत डिफरेंट होता है ओके चॉक लैंड फॉर्म्स आर यूज फॉर पास्चर चॉकलैंड फॉर्म्स पास्चर के लिए यूज होता है अगर चॉक पढ़ोगे इसमें से बुक में से आपको पता चल जाएगा यह भी करेक्ट आंसर है देर इज अ लिटल आर नो सर्फेस ड्रेनेज इन द चॉकलैंड फॉर्म्स देर इज अ लिटल और चाहिए और नो सर्फेस ड्रेनेज इन द चॉकलैंड फॉर्म्स ये भी करेक्ट है वहां पे एक तो लिटल सर्फेस ड्रेनेज होगा या फिर नो सरफेस ड्रेनेज होगा ऑप्शन इज डी करेक्ट वन टू थ्री ऑल आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं थोड़ा सा द चॉक इज कवर्ड विथ शॉर्ट टर्फ एंड इन प्लेसेस विथ वुडलैंड इट इज यूज फॉर पास्चर पास्चर के लिए भी यूज किया जाता है शॉर्ट टर्फ होते हैं वहाँ पे एंड समटाइम्स एरेबल फार्मिंग के लिए भी यूज किया जाता है सो so, ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स सॉल्ट लेक्स प्रोवाइड वैल्युएबल रॉक सॉल्ट सॉल्ट लेक जो है वो वैल्यूएबल रॉक सॉल्ट देते हैं करेक्ट है ओके कॉमन सॉल्ट ऑप्टेन फ्रॉम द डेड सी देखिए डेड सी का जो सॉल्ट है वो इंडिस्पेंसेबल फॉर द हुमन वेल बींग बोलता है अनवॉइडेबल है ओके okay. मतलब वो बहुत नेसेसरी है जो है वो डेड uh, सी का जो सॉल्ट है वो ओके डेड सी का सॉल्ट जो है अमेजोन पे भी बिकता है अगर आप जाओगे तो सो दैट इज़ द रीजन ओके सो दोनों करेक्ट है तीसरा जिप्सम बोराक्स इज आल्सो माइंड फ्रॉम लेक्स जिप्सम बोराक्स लेक से मिलता है वो वही ये भी करेक्ट है ऑप्शन इज डी हमारा वन टू थ्री आर करेक्ट बोराक्स इज ऑप्टन इन ह्यूज क्वान्टिटीज़ फ्रॉम साल्ट लेक सॉल्ट लेक से बोराक्स बहुत क्वान्टिटीज़ में मिलता है कंसिडर कर सकते हैं मोजावे डेजर्ट जिप्सम इज ऑप्टेंड फ्रॉम द लेक्स इन द बर्लिन ओके बर्लिन में जिप्सम मिलता है हमको लेक्स में से ओके okay? सो so, तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं कंसिड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इट्स क्वेश्चन बीवर्स आर द एनिमल्स लाइव लिव्स इन द कम्युनिटी एंड कंस्ट्रक्ट द डैम्स अक्रॉस द रिवर विथ टिम्बर टिम्बर से क्या करते हैं ये बीवर्स जो होते हैं वो टिम्बर से डैम बनाते हैं लेकिन उनका डैम जो है वो परमानेंट भी रहता है ओके सो बिवर्स डैम्स आर क्वाइट टेम्पर्ररी टेम्पररी नहीं है परमानेंट होता है सो so, ये रॉन्ग हो जाएगा हमारा सो फर्स्ट इज करेक्ट आंसर ओनली सो ओनली वन इज द करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन देखते हैं बीवर्स डैम्स आर परमानेंट ओके एंड फाउंड इन द नॉर्थ अमेरिका कहाँ पे मिलता है वो भी आपको पता होना चाहिए नॉर्थ अमेरिका में ओके सोलवेंट एक्शन ऑफ द रेन वाटर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स क्रिएट्स द हलो विच इवेंचुअली फॉर्म्स लेक्स ओके सो क्या बोलता है सोलवेंट एक्शन जो होती है रेन वाटर की वो एक हलो फॉर्म करती है हॉलो मतलब एक बड़ा सा ये होल बोल सकते हो उसको हलो फॉर्म कर देती है विच इवेंचुअली फॉर्म्स लेक जो कि फाइनली लेक फॉर्म कर देते हैं सो रॉक सॉल्ट लाइम दोनों में भी ये चीज होती है सो ऑप्शन विल बी वन एंड टू सी थोड़ा सा एक्सप्लानशन द सोलट एक्शन ऑफ द रेन वाटर इन लाइम स्टोन काव आउट मतलब कट कर देता है सॉल्यूशन हॉलोज सॉल्यूशन इज इंपॉर्टेंट इन अदर रॉक्स सच एज रॉक सॉल्ट सो ऑप्शन वन एंड टू ऑल आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द फॉर्मेशन ऑफ द लेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ओके फॉर्मेशन ऑफ द लेक्स में अगर देखा जाए तो कौन कौन सी चीज़ें सही है ओके सो यहाँ पे देख सकते हैं टेक्टोनिक लेक्स जो है हमारा फॉर्म होता है बेडिंग एंड फ्रैक्चरिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट अर्थ क्रस्ट का बिल्डिंग और फ्रैक्चरिंग की वजह से जो है वो टेक्टोनिक लेग फॉर्म होता है यह मुझे लगता है कि नेक्स्ट यूनिट में लेग्स के यूनिट में आता है क्वेश्चन ओके रिफ्ट वाले लेग्स आर फॉर्म ड्यू टू द फोल्डिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट रिफ्ट वाले जो है वो फोल्डिंग से होता है क्या नहीं रिफ्ट वाले जो होते हैं फॉल्टिंग से होता है ओके सो दैट विल बी द रॉन्ग आंसर सो रॉन्ग हो जाएगा दूसरा और पहला से ही हो जाएगा हमारा सो आंसर विल भी हमारा ए हो जाएगा ओके okay. देखिए रिफ्ट वाले यहाँ पे सीधा सीधा दिया है कि फॉल्टिंग की वजह से होता है अर्थ क्रस्ट की ओके सो दैट विल बी द आवर आंसर सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई एम मोशन दिस साइनिंग ऑफ हैव अ नाइस डे